नमस्कार दर्शकों, आप सबको स्वागत है एल सिटीजन ब्लॉग TNT में। दर्शकों, आज 18 अप्रैल 2024 में यहाँ मोलो से आप लोग को एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा दर्शकों। ये जो है मोलो बस्ती जो है पाइम सर्कल का अंतर्गत ही आता है, और पाइम सर्कल का अंतर्गत में से मोलो बस्ती जो एक रोड कनेक्टेड बस्ती है। लोग फिलहाल सोच रहा होगा कि मोलो में कस घर तो कस दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इतना जो है गाड़ी यहाँ में पार्किंग करके रखा है क्यों और किस लिए, ऐसा सोच रहा होगा। मैं आप लोग को ये बता दूँ कि जो यहाँ ये गाड़ी का मालिक लोग जो है ना, अपना अपना बस्ती में इस बार का चुनाव का चलते जो है अपना अपना बस्ती में जो है वोट कास्ट करने के लिए यहाँ से पैदल चला गया है। और मोलो एक पाइम सर्कल में से एक मोलो एक स्टेशन की तरह है फिलहाल का समय में। ये यहीं से आप जो है यो जाता है, यही से आप गामिंग जाता है, पाइम जाता है, गत और गसंग जाता है। तो लोग क्या करता है कि गाड़ी को ये रोड एरिया में पार्किंग करके इन लोग यहाँ से जो है अपना अपना बस्ती जो है पैदल गया हुआ है, इसलिए यहाँ में इतना गाड़ी पार्क का नज़ारा आ रहा है आप लोग को। ये देखिए दर्शकों, ये जो है ना आप एक बस्ती दिखाई दे रहा है ना, ये जो है पाइम बस्ती है और पाइम हेडक्वार्टर जो है उस साइड में है। दर्शकों, प्रकृति चाहता का जो बात करेगा तो हमारा पाइम सर्कल जो है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मैं इसे शब्दों में बख्या बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सुंदर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देखिए इतना सुंदर नज़ारा है ना, इतना व्यू बढ़िया है। लेकिन जब विकास को लेकर प्रगति का जब बात करेगा तो यहाँ पाइम सर्कल जो ऐसे पिछड़ा हुआ है, ऐसे पिछड़ा हुआ है, इसे भी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे दुनिया जो है आधुनिक की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा पाइम सर्कल जो है प्राचीन की ओर वापस चलता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मेरा मानने का भी बात नहीं है, ये जो है सब इस स्थिति को मालूम है फिलहाल कौन सा जो है स्थिति में पाइम सर्कल है। लेकिन मैं आप लोग को ये भी कह दूँ कि पाइम सर्कल का लोग जो है इंडिविजुअली अगर जो बात करेगा, इंडिविजुअली प्रगति का जो बात करेगा, पाइम सर्कल का लोग जो है अभी बहुत प्रोग्रेस है। क्यों बोलने से, ये जहाँ जितना भी मोलों में अभी गाड़ी पार्किंग करके रखा हुआ है ना, वो लोग जो है पाइम सर्कल का लोगों का ही है। इससे पता चलता है कि इंडिविजुअल प्रगति में इतना आगे हो गया हमारा पाइम सर्कल। ये देखिए दर्शकों, ये एक चूहा का पूंछ जैसा एक रास्ता दिखाई दे रहा है ना, है ना, यहीं से ही आप हीयो जाता है, यहीं से ही आप पाइम जाता है, यहीं से ही आप पाइम हेडक्वार्टर जाता है, यहीं से ही आप गते जाता है, यहीं से ही आप गसंग जाता है, यहीं से ही गामिंग जाता है। इसे साफ तौर पे ये पता चलता है कि विकास का क्षेत्र में हमारा पाइम सर्कल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। और दर्शकों, ये आप देखिए, ये जो एक हील दिखाई दे रहा है ना, ये जो है हीयो बस्ती है, और वो नाला एक दिखाई दे रहा है ना, वो जो है नदी, वो नदी जो है आपका सिंजोद नदी है। और इस साइड में जब अगर बात करेगा तो ये देखिए, ये मोपो केती है, ये जो है मोपो है, इस केती का नाम मोपो है, इसको जो ये जो है आपका हीयो बस्ती का अंतर्गत ही आता है। और जब इस तरफ में जब बात करेगा, वो देखिए दूपू बस्ती है, इसमें जो है एक बुलेटू मीगिंग BRTA रोड नाम का एक रोड कनेक्शन यहीं से गुजरना था, लेकिन उस रोड को जो है जमीन का गया ना आसमान मिल गया, उसका कोई अता पता नहीं है। अभी लगभग इसका जो है 10 साल ज़्यादा हो गया, कोई अता पता नहीं है। और ये रोड जो है आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेचकुआ तत्व जाने वाला रोड है। दर्शकों, मैं जितना सकेगा आप लोग को ऐसा अच्छा और सही और सच्चाई वीडियो में दिखाने के लिए कोशिश करता रहूँगा। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।